हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या हुआ देव जी, काफी बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? अरे वो एक वीडियो कॉल आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूँ। वीडियो कॉल? आज से पहले कभी तुम्हें वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं देखा, तो कोई खास बात है क्या? अरे यार तुम भी ना हर बार वैसा कुछ नहीं है। वो अपने केतन जी थे ना, वो क्राइम ब्रांच वाले। हाँ हाँ केतन जी याद है। अरे यार उन्होंने बोला 12:30 बजे मुझसे वीडियो चैट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। सर कैसे हैं? केतन सर आप तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अरे क्यों टांगे खींच रहा है यार? यू नो रिटायरमेंट के बाद जो है ना थोड़ा पेट बाहर आ गया है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर सच कह रहा हूँ, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा ये बता कि तू अपना शादी का कार्ड कब भेज रहा है? आज सर आप देखिए सर आप सीनियर आदमी हैं, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, मैं लाइन तोड़ के आगे कैसे जाऊं सर है? अरे भाई नया घर ले लिया है बस, जल्दी घरवाली भी आ जाएगी, वरना इस उम्र में कौन लड़की देता है यार। अरे सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहाँ कर लिया सर आपने? फार्म हाउस लिया है वाशी में। आज अगले संडे साथ में लंच करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल आएंगे। अब मैं तुझे ये वाला घर दिखाता हूँ, देख नजारा देख घर का। अब ये देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपना स्टडी रूम। देखा अभिजीत ये मेरा स्टडी रूम। सर बहुत बढ़िया है सर, ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है। हाँ। जब ये फर्नीचर वगैरह आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त लगेगा सर। केतन जी ओह नो केतन जी क्या हुआ? अरे यार चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया? हाँ किसने मारा चाकू पता नहीं, लेकिन तुम तो वीडियो चैट कर रहे थे ना उनके साथ। अब मैं मेरे सामने थे, अचानक ये चाकू कहाँ से आया, कैसे लग गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या ठीक हो? हाँ यार समझ में नहीं आ रहा यार कैसे हो गया अचानक। सर केतन सर ने तो 100 से भी ज्यादा मुजरिमों को जेल पहुंचाया है, हो सकता है उन्हीं में से किसी एक मुजरिम ने ये सब किया। हाँ लेकिन कैसे कब? केतन जी मुझसे बात कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके पीछे कोई भी नहीं था, फिर अचानक ये चाकू किसने मारा और कैसे मारा? तुम्हें पूरा यकीन है कि कमरे के अंदर पहले से कोई चुपके नहीं बैठा? नहीं यार केतन जी ने पूरा कमरा दिखाया था मुझे वीडियो चैट पे, हम लोग बात कर रहे थे और कमरा देखो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ खुला भाई, कोई कहाँ कैसे छुप सकता है। तुमने कहा कि तुम्हारे सामने ही केतन जी दरवाजा खोल के अंदर आए थे। हाँ उन्होंने ये दरवाजा खोला अंदर आए और दरवाजा बंद भी किया था उन्होंने,
तो बात साफ है, खूनी इस कमरे के अंदर पहले से था, बाद में नहीं आया। यही तो है यार, मुझे दिखा क्यों नहीं? और मुझे छोड़ो यार, ये केतन जी को कैसे नहीं दिखा? सर, इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है, इस दरवाजे के अलावा। कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं। पुरवी, एक बार फिर से इस कमरे को चेक करो, कोई ना कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए इस कमरे में। सर मैंने 3 बार चेक किया, एक एक दीवार, एक एक कोना, सब कुछ सर। बाकी इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई तो खुफिया रास्ता होगा इस कमरे में, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, वरना ये मुमकिन नहीं कि अभिजीत को वो खूनी दिखा नहीं। ये केतन जी यहाँ पे अकेले रहते थे ना? हाँ, अकेले रहते थे, वो केयरटेकर होता था यहाँ पे। तो पता करना होगा कौन कौन आता था इनसे मिलने के लिए यहाँ पे, और किस किस को पता है केतन जी के इस नए घर के बारे में। पंकज सर, वो केयरटेकर को बुलाया है ना? हाँ सर, बात हुई सर, आ रहा है। फ्रेडी, एक एक फिंगरप्रिंट उठाना, एक भी मत छोड़ना। हाँ सर, एक एक कोने के फिंगरप्रिंट्स उठाऊंगा सर। साहब, मैं तो 2 दिनों की छुट्टी पे गया था, मुझे क्या पता था मेरे पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता था यहाँ पे? केतन साहब और कारपेंटर। कितने कारपेंटर थे? 3। और कितने दिनों से काम कर रहे थे? करीब 1 महीने से। 1 महीने से? यानी घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ये कारपेंटर केतन जी ने कहाँ से रखे थे? जान पहचान के थे या किसी ने बोला था उनको रखने के लिए? नहीं साहब, वो केतन सर के खुद के पहचान के थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिछले मकान में भी कारपेंटर का काम किया था। पक्का और कोई नहीं आया? नहीं साहब। हाँ याद आया साहब, 2 अनजान लोग और आए थे, एक किसी इंटरनेट कंपनी से आया था और दूसरा वाटर पाइपलाइन चेक करने आया था। उन लोगों ने पूरे घर का मुआयना किया। साहब ने इसके लिए मुझे डांटा भी था। क्यों डांटा? क्योंकि मैंने उन्हें अंदर आने दिया। साहब को उन दोनों के पहले से आने की कोई खबर नहीं थी, और साहब ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसी को बोला भी नहीं था। और ये कब की बात है? यही कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। लगता है इन्हीं दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, 5 साल पहले जब तुम लोगों ने ये केस सॉल्व किया, तब केतन जी के अलावा इस टीम में और कौन कौन था? मैं, पूर्वी, केतन जी और महन। उस औरत की जान को खतरा है, वो खूनी के यहाँ आसपास ही है। यस सर, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस 15 मिनट दूर है सर वेयर हाउस, हम पहुंचने वाले हैं। सर, यहाँ तो वो औरत दिख नहीं रही है, और ना ही वो मुजरिम। कहीं वो कॉल झूठा तो नहीं है? कोई वजह तो होगी जो किसी ने हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया, और वो वजह कहीं आसपास ही है। We'll be right back.
सर 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 विनोद। हाँ सर को चाकू लगा है। सर सर ओह नो ही इज डेड। तुम दरवाजा देखो, दरवाजा देखो जल्दी से। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब कि खूनी यही है। देखो उधर, तुम अंदर देखो। हाँ जल्दी। देखता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं था है? सर सही कह रहा हूँ, यहाँ पे मैन सर और हमारे अलावा कोई नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि खून किया तो किया किसने। वैसे आप लोग यहाँ पर आए क्यों थे? सर एक औरत का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है, उसी को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मगर यहाँ कोई औरत थी ही नहीं, और फोन भी किसी प्राइवेट नंबर से किया गया था। अच्छा ये सब एक साजिश है, सोची समझी साजिश। सर ये यहाँ का वॉचमैन है। रात को गोडाउन कितने बजे बंद किया था? साहब रात 10 बजे। उस वक्त यहाँ पे कोई था? नहीं साहब, अच्छे से चेक किया था, कोई नहीं था। आप लोगों ने कहीं ये दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था अंदर आने के बाद? नहीं, अंदर घुसते ही सबसे पहले हमने दरवाजा अंदर से बंद किया था। सर खून होने के बाद भी दरवाजा चेक किया, अंदर से बंद था। खूनी पहले से अंदर था, केतन जी के घर की तरह। एक ही दरवाजा जो बंद था और कोई खिड़की नहीं। खूनी गायब कहाँ हो गया? सर फिर से एक ऐसे ऑफिसर का खून हुआ है जिसे हम जानते हैं। मुझे लगता है खूनी को मैं जानता हूँ। जी तुम खूनी को कैसे जानते हो? तुमने तो देखा भी नहीं खूनी को। समझ गई सर, आपका इशारा किसकी तरफ है। कहते हो ये सब क्या है? हाँ ये एशिया का मशहूर क्लासिक आर्टवर्क है, पर इसका इस केस से क्या लेना देना? जिसे तुम एशिया का मशहूर आर्टवर्क समझ रहे हो वो आर्टवर्क तो है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, नकली। ये नकली है? दिखने में तो एकदम असली लेकिन है नकली। लेकिन इस आर्टवर्क का इन दोनों मर्डर से क्या संबंध? 5 साल पुरानी बात है दया। याद है तुम और एसीपी साहब डेपुटेशन पे दिल्ली गए थे? उस समय कुछ दिनों के लिए मैं और पूर्वी एक केस में क्राइम ब्रांच के लिए काम कर रहे थे। हाँ 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 कुछ कुछ याद आ रहा है। ये वही केस है ना जिसमें किसी ने नकली आर्टवर्क बना के उसे ऊंचे दामों में बेचने की कोशिश की थी? करेक्ट, ये आर्टवर्क उसी ने बनाया है, मिखेल, मिखेल नाम है उसका। ऐसा नहीं था कि मिखेल की प्रतिभा और काबिलियत बाकी कलाकारों से कम थी। सही मायनों में आंका जाए तो मिखेल उनसे कई मायनों में ज्यादा प्रतिभाशाली है, और शायद इसीलिए उसने किसी दिन यह सोच लिया कि ओरिजिनल पेंटिंग तो कोई भी बना सकता है, मगर ओरिजिनल की वैसी कॉपी बनाना सबके बस की बात नहीं है। और पैसा इतना है इस गलत काम में कि शायद उसे कभी कोई ओरिजिनल बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। करोड़ों करोड़ रुपए कमाए उसने महान आर्टिस्ट की ओरिजिनल पेंटिंग की नकली कॉपी बना के, और उसका हाथ इतना साफ था कि कोई नहीं बता सकता था कि पेंटिंग असली है कि नकली। कई बार तो 30-40 साल पुराने कैनवास पे पेंटिंग की है उसने, किसी पुराने मास्टरपीस की नकल करते वक्त। और जब पानी सर के ऊपर निकल गया
कई कला प्रेमी करोड़ों रुपए गंवा बैठे तो क्राइम ब्रांच ने मिखाइल को पकड़ने की जिम्मेदारी हम चार ऑफिसर को सौंपी, केतन जी, मेहन, पूर्वी और मैं। मिखाइल तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर कहते हैं ना कि चींटी को पकड़ना हो तो शक्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस कलाकार की शक्कर थी उसके पुराने कैनवस और वो केमिकल्स जिसका वो इस्तेमाल करता है 100-200 साल पुराने नकली मास्टरपीस बनाने में। हमने सभी ऐसे आर्ट गैलरियों और दुकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी जहाँ पे ये सामान मिलता था। जो जो ऐसा सामान खरीदने आता उसकी भी पूरी कुंडली निकाली हमने। जितनी भी फोटो भेज रहा हूं ना सबकी कुंडली चाहिए मुझे। फिर एक हफ्ते बाद हमें एक ऐसी लड़की दिखी जो सामान तो खरीदती थी मगर जिसका कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है सर, ये लड़की बैंक में काम करती है, फिर इसे सामान की जरूरत क्यों पड़ सकती है और वो भी हर दूसरे दिन। सर ये लड़की गड़बड़ तो लग रही है। ये लड़की गड़बड़ है, इसका पीछा करो, देखो कहाँ जा रही है। सर मैंने उसका 3 दिन तक पीछा किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो सारा सामान लेकर अपने घर जाती थी, मगर 4th दिन वो कहीं और गई। मिखाइल भी ना, इसने अभी तक लंच भी नहीं किया। अभी तक लंच भी नहीं किया? इतना भी क्या काम में बिजी रहते हो कि खाने पीने का होश भी नहीं रहता? तुम्हें देख लेता हूं ना तो पेट भर जाता है। जानू, बीबी को मस्का लगाने का ना ये बहुत पुराना आइडिया है। मस्का नहीं, सच कह रहा हूं, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी भला मुझे कहां मिलेगा जो मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दे। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली
अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया को आंख लगा दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या मांगोगी, यही ना कि मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता। जानते हो तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? शीतल, इंसान की जिंदगी में दो नशे होते हैं, मेरे प्यार का नशा तुम पूरा करती हो और मेरा दूसरा नशा कला का, मेरा ये काम पूरा करता है। इनमें से अगर एक भी मुझसे दूर गया ना तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इतिहास मुझे सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छे आठ चोर के रूप में याद रखे। बस मिखाइल, बहुत इतिहास लिख चुके हैं, बाकी की कहानी जेल में पूरी कर लेना। मिखाइल रुक। मानो जिद मत करो, अपने आप को कानून को हवाले कर दो प्लीज। मैं नहीं करूंगा। She's dead, sir. तुम लोगों की वजह से मेरी शीतल मुझे छोड़ के चली। तुम्हारी पत्नी का मौत का अफसोस है हमें, पर उसकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं, तुम हो। ना तो तुम जुर्म के रास्ते पे चलते और ना ही तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा उसको भुगतनी पड़ती। कर्मों की सजा किसे मिलेगी ये भविष्य बताएगा। शीतल की मौत ना मैं भूलूंगा और ना ही तुम। चारों को मरने दूंगा, मरते दम तक। ले जाओ इसे। चल चल। इसके 5 साल की जेल की सजा तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अपनी बीवी के बदले की आग शायद अब तक जल रही है उसके सीने में। मतलब केतन जी और मैन के बाद उसका निशाना अभी पूर्वी और तुम पे है। करेक्ट। मगर सर, वो ये सब कर कैसे रहा है? किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? अब इस राज से पर्दा तो मिखाइल ही उठा सकता है। इसके पहले वो तुम तक या मुझ तक पहुंचे, हमें मिखाइल तक पहुंचना होगा। सर, सर केतन जी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे सर, हाँ वो मैच हुआ किसी से? सर वो वाटर पाइपलाइन वाला इंसान तो निर्दोष निकला, लेकिन इंटरनेट वाला बदमाश है। कौन है ये इंटरनेट वाला? रमन जोग सर, पुराना पापी है सर। अभी 6 महीने पहले वो ऑथर रोड जेल से निकला। ऑथर रोड जेल? मिखाइल को भी वहीं रखा गया था? ओ, मतलब उसी जेल में ये जुर्म की खिचड़ी पकाई है मिखाइल और इस रमन जोग ने। रमन जोग, तुझे दोबारा जेल नहीं जाना है ना? नहीं सर, मुझे दोबारा जेल मत लीजिए सर। अगर आज मिखाइल नहीं मिला ना, यही गाड़ दूंगा। नहीं सर, मिखाइल मुझसे हमेशा यही मिलता था, मुझे यही बुलाता था, मैं आपको वहीं लेके जाता हूँ। चलिए, मुझे मिखाइल चाहिए बस। मैं सर वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ शांति, क्या पापा की तबीयत खराब हो गई? अचानक कैसे?
मैं केस के बीच में हूँ शांति। क्या क्या हुआ क्या? सर पापा की तबीयत खराब हो गई। वो शांति, वो नर्स है ना, वो उनकी देखभाल करती, उसी का फोन था। ठीक है तो तुम जाओ ना, हम लोग देख लेते हैं। सर जाओ, कुछ भी जरूरत हो फोन करना। क्या हुआ सर? फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अब तक के सीआईडी के करियर में हमने बहुत सारे ये क्लोज्ड रूम मर्डर्स सुलझाए हैं, पर उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं था। हाँ सर, पहले भी ऐसे बंद कमरे वाले केस आए हैं। कहीं ना कहीं तो खुफिया रास्ता मिलता ही था खूनी के अंदर या बाहर जाने का। हाँ, या तो कमरे में कोई खुफिया रास्ता होता है या फिर कमरे के साथ छेड़छाड़ की गई होती है खून करने के लिए। मगर यहाँ पे ना तो कोई खुफिया रास्ता है और ना ही कमरे के साथ कोई गड़बड़ हुई है, और ये खूनी तो ऐसा जो नजर ही नहीं आता। सर मेरा तो सोच के दिमाग घूम रहा है, खूनी नजर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो गैजेट पहन के गायब हो जाता है, लेकिन वो तो फिल्म थी ना सर। हाँ वो तो फिल्म थी, और ये असल जिंदगी। सर क्या सोच रहे? वही सोच रहा हूँ कि सब में समझ में क्या नहीं आ रहा है। तो ये चक्कर है। दिनों से नजर रखे हुए था हम चारों पे, तूने ही मदद की उसकी इन सब काम में है? जी सर। मगर इस वॉलपेपर, फर्नीचर, इन सब की तस्वीर क्यों ली? हैं? वो मिखाइल ने जैसे जैसे बोला साहब, मैंने वैसे ही उसकी तस्वीर ली सर। बस मुझे नहीं मालूम सर इन तस्वीरों को वो क्या करने वाला था। कहीं इन तस्वीरों में तो नहीं छुपा है खून का राज? कैसे हो अभिजीत बाबू? मिखाइल, क्या बात है, इतने सालों बाद भी मेरी आवाज नहीं भूली। वैसे मैं जानता था कि तुम मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगे।
इंटेलिजेंट जो, लेकिन सॉरी, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं घर पर मौजूद नहीं था। स्वागत तो तेरा सीआईडी करेगी जब तुझे दोबारा पकड़ के जेल में ले जाएंगे हम लोग। जेल तो तब जाऊंगा ना जब तुम लोगों को नजर आऊंगा। पहले ये पहली तो बुझा लो कि मैं आखिर तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आता। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मानता हूं कि इंटेलिजेंट, पर इतने इंटेलिजेंट नहीं कि इस केस को सुलझा सको। केस तो तुम्हारी और पूर्वी की मौत के साथ ही खत्म होगा। खैर, ना 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 ना, गुस्सा नहीं है अभिजीत बाबू, गुस्सा करके क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? चलो एक छोटी सी तुम्हें हिंट देता हूं, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां तुमने मेरी शीतल को मुझसे छीना था। पूर्वी की मौत से पहले पहुंच तो जाओगे ना तुम? निकल, निकल। सुन, हेलो अंकज, पूर्वी को फोन करो जल्दी से जल्दी, उसको बोलो घर पे रहे, बाहर नहीं निकले। क्या हुआ सर? अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो पता चल जाएगा खूनी ने ये सब कैसे किया है। कैसे? कमाल, पापा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर शांति ने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? और खुद तो घर पे है भी नहीं, फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहे। फोन ही नहीं उठा रही है। क्या फोन नहीं उठा रही? गड़बड़ तो नहीं सर? कहीं मिखेल उस तक पहुंचना गया हो सकता है। वो जो फोन इसके घर से आया था उसके डैड की तबीयत के बारे में, हो सकता है उसी ने किया। सर पूर्वी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उम्मीद करते हैं वक्त रहते पहुंच जाए, अगर उसने हाथ लगाने की कोशिश की तो। पहुंच गए, ये वही जगह जहां पे मिखेल की बीवी शीतल की मौत हुई थी। पता नहीं किसी ने गोली चला दी सर। पूरी मिली? वो भी वहां है सर। ओह नो, अंकज अलर्ट रहना, मुझे कवर दो, मैं जाता हूं पूर्वी की तरफ।
डरो मत अभिजीत, मरी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर उसके करीब जाने की कोशिश की तो मेरी उंगली ट्रिगर पर और गोली तो तुमसे तेज ही पहुंचेगी उस तक। मिकाएल, गोली मत चलाना। देखो, तुमको बदला लेना था ना, मैं आ गया हूं मिकाएल, प्लीज पूर्वी को जाने दो। खबरदार, कोई चलाकी नहीं अभिजीत, क्योंकि तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूं। अभिजीत, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल रिएक्ट मत करना। तुम इस मिकाएल को देख नहीं सकते, तुम और केतन जी उसे केतन जी के स्टडी रूम में देख नहीं पाए, महन उसे 8 वेयरहाउस में देख नहीं पाया, पूर्वी खुद उसे अपने घर पे देख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे देख पाना मुमकिन नहीं है। वो जहां जहां जुर्म करता है वहां वहां रग रग में वो दम जाता है, वो उस कमरे में उस डेकोर में वो ऐसे बस जाता है कि कोई कह नहीं सकता कि वो 8 पीस नहीं बल्कि एक इंसान है। केतन जी के कमरे में वो वॉलपेपर बन गया था, वॉलपेपर। और महन के उस वेयरहाउस में वो पोर्ट्रेट बन गया था। मुझे तब पता चला जब वेयरहाउस के क्राइम सीन्स की फोटोग्राफ्स मैं देख रहा था, तभी मेरी नजर उस पोर्ट्रेट की उंगली पर गई। वो पोर्ट्रेट नहीं था, वो ये मिकाएल था। मिकाएल, रुक दे, कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज है, छुपा हुआ झाड़ियों में। पंकज, तुम यहीं रुकना, पूर्वी पे नजर रखना। मिकाएल, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहां से जा रहे हैं, बस खाली तुम पूर्वी को छोड़ दो प्लीज। देखो, खून खराबे से कोई फायदा नहीं है, मैं यहां पे आ गया हूं, तुम बोलो कहां पे मिलना, मैं आ जाता हूं ना। बस आगे मत बढ़ना भी जी, मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करो। ठीक है ठीक है, गोली चलाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग यहां से जा रहे हैं, लेकिन तुम चाहते क्या हो मिकाएल? जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इन सबसे तुम्हें क्या मिलेगा? हैं?
मेरे शीतल को मुझसे छीना था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे शीतल को मुझसे दूर किया। तेरी असली जगह जेल में है, लेकिन इस बार तू बाहर नहीं आएगा, सीधा फांसी पे चढ़ेगा। अपनी बीवी की जलती हुई चिता पर कसम खाई थी मैंने कि जब तक तुम चारों को शमशान घाट ना पहुंचा दूं, ना जीऊंगा ना मरूंगा। दो तो गए, अब तुम दोनों बचे हो। अपने कानून से कहना कि सख्त से सख्त जेल बनवाए, क्योंकि अब कोई भी जेल तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। ठीक है, चलो भेजो उसे। चल चल। आऊंगा, वापस आऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।